हेलो गाइस, वेलकम टू दीजी मीडिया न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एक्सपेंडर डार्क फोन इसके ट्रेलर के बारे में, और मैं आपको उम्मीद करता हूं कि शायद ये 4 या 5 दिन में आपको देखने को मिल जाए। और अभी हाल ही में रशिया में एक इवेंट हुआ था एक्सपेंडर डार्क फोन इसका, जिसमें हमें फर्स्ट ट्रेलर दिखाया गया था। उसकी कोई अभी फुटेज लीक नहीं हुई है, ना ही कुछ पता चला इतने ज्यादा डिटेल में, बट ट्रेलर उम्मीद है कि हमें 4 या 5 दिन में देखने को मिल जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको मैं बता दूंगी, एक्सपेंडर डार्क फोनिस की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। एम्पायर मैगजीन ने उसकी कुछ इमेजेस भी रिलीज करी थे, और फॉक्स और डिज्नी की डील के कारण इसके रीशूट करने पड़े, इसकी डेट को चेंज करना पड़ा, और देन फाइनली लगता है कि हाँ, एक्समैन यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ, उसके हिसाब से लग रहा है कि हाँ, रिलीजिंग डेट और रीशूट का कारण शायद मे बी ये हो सकता है। तो रशिया में जो इवेंट हुआ था, उसकी एक इमेज लीक सामने हमारे आई है, जिसपे लिखा है X-Men 3, यानी कि हमें इसमें वुल्वरीन, डेडपूल, गैम्बिट और एक्समैन की पूरी टीम दिखाई दे रही है, जो कि रशिया के इवेंट में थी। और देन इसमें उन्होंने ट्रेलर भी देखा पूरी टीम ने एक साथ, जिसमें स्टैनली भी खड़े हुए हैं। तो लगता है कि एक्समैन यूनिवर्स ने कुछ बड़ा कर रखा है, और ये ट्रेलर इंडिया में और या पूरे वर्ल्ड वाइड में हमें 4 या 5 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा। शायद उन्हें कुछ एडिट भी करना पड़ा होगा। तो लगता है कि हाँ, एक्समैन यूनिवर्स में कुछ बड़ा होने वाला है, और डिज्नी और फॉक्स में जो डील हुई है उससे रिलेटिव इन्होंने रीशूट जो कर रही है, तो शायद हमें कुछ ऐसा दिखने वाला है आगे इन फ्यूचर के, शायद इनको कनेक्ट करा जा सके, या तो डायमेंशन होगा या टाइम ट्रेवल, कुछ भी। और एक्समैन तो टाइम ट्रेवल से वैसी भी भरी पड़ी रहती है। तो देखते हैं कि एक्समैन द डार्क फोनिस कितना बड़ा बदलाव लाएगी डिज्नी, फॉक्स और एक्समैन के कैमियोस में और डिज्नी के कैमियोस में, यानी कि कोई भी कैरेक्टर आपस में क्लैश कर सकते हैं। और रही बात एक्समैन द न्यू म्यूटेंट्स की, तो उसका कोई डिसाइड नहीं है, क्योंकि उसका मुझे पहला टीजर भी बेकार लगा था। आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में बताना। अब बात करते हैं ऑल अपडेट की। तभी हाल ही में चार्ली एंजल्स का फर्स्ट लुक लॉन्च हो गया, यानी कि उसका क्लैप बोर्ड। फाइनली इसकी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, जिसका पहला डे का फोटो डाला था क्लैप बोर्ड का। उसके बाद द विचर, आप सभी को पता है कि सीजन 1 की शूटिंग और स्क्रिप्टिंग पे काम चल रहा है, और फाइनली विचर की शूटिंग का सीजन 1 स्टार्ट होने वाला है कुछ ही टाइमों में। और देन उसके बाद अगर आप जॉम्बी मूवीज के फैंस हो, तो ओवरलोड को देखने ना भूलें, क्योंकि उसकी रेटिंग्स बहुत ही अच्छी गई है, 96 और 89 जो टोमेटो मैट्रिक्स पर गए हैं। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यूट्यूब पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंद इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, या तो उस पे केबल के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।